रणजीत रेडियो सुन वाले सारे श्रोतियों नु रणजीत कौर संधु सोनी दी प्यार भरी सत श्रीकाल नमस्कार आदाब। लो जी हाजिर हाँ असी प्रोग्राम लैके खास मुलाकात। खास मुलाकात प्रोग्राम दे विच सी बहुत सारिया शख्सियतों के नाल थानू बुलाउंदे आ ते अज असी सोचिया कि क्यों ना थोड़ी जी फिल्मी जगत की गल कर ली जाए और थोड़ी जी रंग बिरंगी दुनिया की गल हो जाए। इस गल नू मद्देनज़र रखदे होया असी फिल्म जगत के बड़े ही मशहूर लेखक और गीतकार डॉक्टर अविनाश त्रिपाठी जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र तो अपना यह सफ़र शुरू किया। बहुत ही खूबसूरत कविताएं भी लिखते हैं पर बड़ी अजीब गल है कि कविताएं भी लिखते हैं नाल क्राइम रिपोर्टर भी रहे ने। आंखों देखी बड़ा ही मशहूरी सीरियल जो होंदा सीगा उन्हें ब्यूरो चीफ रहे लखनऊ तो और लखनऊ उन्हां दी रूह बसती है। तो लो जी जदों असीं लखनऊ की गल करते हैं ना तो बड़ी ही मिठी जुबान की गल हुंदी है। बड़ी मतलब जुबान दे विच इस तरह जिस तरह मिठाई खा के लोग गल करते हैं आनंद आ जाता जदों ये लोग गल करते हैं। तो वाकई जो उन्हां दे नाल मुलाकात हुई और मुलाकात चाहे जरिया फोन ही रहा पर बहुत ही आनंद आया और बहुत ही लुत्फ आया। जदों भी आपां किसी नाल गलबात करते हैं तो असीं बहुत कुछ उस तो सीखते हैं। तो लो जी फिर चलते हैं करते हैं मुलाकात डॉक्टर अविनाश त्रिपाठी जी नाल। रंजीत रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को रंजीत कौर संधु सोनी की प्यार भरी नमस्कार सत श्री अकाल जी आदाब। आपका बहुत बहुत स्वागत है रंजीत रेडियो में और एक खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। जी आज खास मुलाकात जो होने जा रही है वो होने जा रही है डॉक्टर अविनाश त्रिपाठी जी के साथ। वो एक गीतकार भी हैं और फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखते हैं और न्यूज़ एंकर के तौर पे उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया और 28 इयर्स हो गए उनको थिएटर की सेवा करते हुए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम उनके जुबानी सुनेंगे उनके मुंह से सुनेंगे। तो जो वो लिखते हैं उनकी एक नज़म की दो लाइनें हैं मेरे पास। किताबें हमें तोलती हैं, किताबें हमें भीतर से खोलती हैं। जब भीतर की बात होती है ना तो दोस्तों फिर समझ आता है कि जो इंसान है उसने कितना अपना सेल्फ एनालिसिस किया होगा, कितना भीतर की जो यात्रा की होगी। और ये जो भीतर की यात्रा है उन्होंने कब शुरू की, कहाँ से प्रभावित हुए, कहाँ से प्रेरणा ली, बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अविनाश त्रिपाठी जी का बहुत बहुत अभिनंदन रंजीत रेडियो में। थैंक यू सो मच रंजीत जी, आपने इस मंच पे मुझे बुलाया और अपनी बात कहने का आप मुझे मौका दे रही हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा आपने तारुफ किया कि जिंदगी में मैंने कोशिश की कि मैं अलग अलग चीज़ों से सीखूं। मैं काबिल तो नहीं हो पाया लेकिन मैंने सीखने की ज़रूर बहुत शिद्दत से कोशिश की। और जब आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट से सीखने की कोशिश करते हैं तो सफ़र में आप छोटे छोटे पड़ाव पार करते चले जाते हैं और उसी में से आपको कुछ कुछ ज्ञान मिलता चला जाता है जी। तो ऐसे ही रही मेरी यात्रा। और बहुत छोटे शहर से मैं बिलोंग करता हूँ और उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही छोटा सा जिला है जहाँ पे मेरी बचपन में परवरिश हुई। और मैं बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था जी। बहुत कम लोगों से बातें करता था, खुद में ज्यादा मसरूफ रहता था। और मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ चीजें हुई उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा क्योंकि हम आप अंदर का सफर कर रहे थे और अंदर ही कुछ बुन रहे थे। बिल्कुल जी। ये मुझे लगता है बड़ा जरूरी इसलिए भी होता है कि जब हम दुनिया के साथ में रहते हैं तो हमारा जो फोकस है वो दुनिया पे ज्यादा रहता है जी। तो इस वजह से हम खुद पर फोकस नहीं कर पाते और जब हम अकेले होते हैं तो हम खुद से बातें करते हैं और अपने सफर को ज्यादा गहन करते हैं, उसको ज्यादा रिसोर्सफुल करते हैं, उसको ज्यादा तवील करते हैं। तो इसी तरीके से मैं खुद से बातें करता था और अपने आप को जानने की कोशिश मैं करता था कि मैं एग्जैक्टली क्या हूँ, क्यों दुनिया में आया हूँ। और उसी प्रक्रिया में जब मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर जोर दिया तो बहुत सारी चीजें मेरे अंदर जो थी वो धीरे धीरे निकल के आने लगी और जी फिर एक डॉक्टर रास्ता साहब, बना। आपने अभी कहा ना लखनऊ की भी बात करेंगे क्योंकि आप कहते हो कि लखनऊ में मेरी रूह बसती है, तो लखनऊ की भी बात करेंगे। वहाँ की जुबान जो है बहुत मीठी है और जो हमारा बातचीत का लहजा जब मीठा होता है और बहुत ही इम्प्रेसिव होता है तो सामने वाले को भी लुत्फ आता है। आपने कहा मैं छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहती हूँ शहर कोई भी छोटा नहीं होता, क्षेत्रफल कम हो सकता है लेकिन वहाँ जब एक ऐसी पर्सनैलिटी जो
है वहाँ ग्रूम होती है तो वो अपने आप में ही बड़ा हो जाता है। तो लखनऊ की बात करते हैं, आप कहते हैं कि वहाँ मेरी रूह बसती है, लखनऊ के बारे में जरूर कुछ जानना चाहेंगे हम। जी, बहुत खूबसूरत शहर है, और चूंकि मेरी जो बचपन की जो बहुत सारी यादें हैं, और मैं कहूँगा कि मेरी शख्सियत को बनने में जिस मिट्टी का सबसे बड़ा योगदान है वो लखनऊ है। जी जब आपकी जबान एक तो बड़ी खास हो जाती है, जब आप लखनऊ के होते हैं तो आपके शब्दों में कुछ खास गहराई आ जाती है, आपकी ज़िंदगी में भी एक खास किस्म की गहराई आ जाती है, क्योंकि वहाँ के जो जो इल्म है, वहाँ का जो अदब है, जो तमीज़ है, जो तहजीब है, आप खास तौर से अगर आप वहाँ के बुजुर्गों से मिलें, बैठ के बातें करें, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में चाहे अनचाहे आती चली जाती हैं, और वो आपके व्यवहार में, आपकी बातचीत में आ जाती है। तो थोड़ा सा आप दुनिया से मुख्तलिफ हो जाते हैं, दुनिया जिस तरीके से बातचीत करती है उससे आपका जो लहजा है, आपका अंदाज जो है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, और तो आप अलग से एक आइडेंटिफाई होने लगते हैं। और उसमें भी अगर आपको शौक कहीं शायरी का या उर्दू शायरी का अगर आपको शौक हो जाए, तो आप और रिफाइन हो जाते हैं, एज एन ह्यूमन बींग भी रिफाइन हो जाते हैं, क्योंकि जो मुझे लगता है लिटरेचर है या पोइट्री है, ये आपका जो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको कहीं रिफाइन करता है, उसको बेहतर करता है। तो ये सारी चीज़ें लखनऊ में होती रहीं, उस शहर के अंदर एक खासियत रही कि जबान तो बहुत मीठी है, ये हम सब जानते ही हैं, जी और लिटरेचर से मैं बहुत ज़्यादा लखनऊ में जुड़ा, खास तौर से उर्दू लिटरेचर से। तो उसने भी मुझे लगता है मेरे सोचने के डायमेंशंस को बहुत ब्रॉड किया। और मेरे साथ एक और जो एक कंट्रास्ट मैं कहूँगा कि एक चीज़ ये थी कि मेरी जो परवरिश हुई है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बचपन का वो शिशु मंदिर जो स्कूल है, सरस्वती शिशु मंदिर, वहाँ पर हुई, जहाँ पे पूरा फोकस जो है वो भारतीय परंपरा और संस्कृत और क्या बात है जी, बहुत अच्छी ऐसी बात। हाँ ऐसी भाषा, इन सारी चीज़ों पर हुई। और जब मैं लखनऊ में आया तो लखनऊ, चूंकि उसमें उर्दू का प्रभाव ज्यादा था और मेरे बहुत सारे जो यार दोस्त थे वो उर्दू जबान ज्यादा इस्तेमाल करते थे, तो मैंने एक तरफ जहाँ संस्कृत और भारतीय परंपरा की चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया, वहीं उर्दू जबान और उसकी जो खासियत और उसकी खसूसियत है उसको भी अपनी पर्सनैलिटी में कहीं स्थान दिया। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है मिलकर कहीं एक बेहतर इंसान को जन्म देती हैं, तो उसका भी मुझे फायदा मिला कि दो जी अलग अलग लहजों को मैंने अपने पर्सनैलिटी में शामिल किया। जी अच्छा डॉक्टर त्रिपाठी जी, एक चीज तो मैंने भी महसूस की है, जैसे ये उर्दू है एक तो बड़ी मीठी जुबान है, दूसरा इनमें जो अल्फाज है उनमें वजन बहुत है। आप जी एक एक अल्फाज जब बोलोगे, एहतराम है, खसूस है, मतलब मुझे तो अच्छी तरह से नहीं आती, माफी चाहूंगी, लेकिन जब भी हम उन शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसमें अपने आप ही एक आनंद है। और बिल्कुल दूसरी बात, आपने ये कही कि भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए स्कूल में आपने शिक्षा हासिल की, यहाँ पे मैं अपने श्रोताओं को और जो अब की यंग जनरेशन है जिनके अंदर एक गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर करना चाहती हूँ। आपने भी डॉक्टर साहब ये नोट किया होगा क्योंकि आप टीचिंग फील्ड में भी रहे हैं, वहां जी स्टूडेंट्स में नोट किया होगा कि वो लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हैं, जबकि मुझे ये लगता है कि वहां का जो लाइफस्टाइल है वो मल्टी डिमेंशनल नहीं हो सकता, उसमें गहराई नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात कही। और भारतीय जो परंपरा है, अगर मैं उसकी शिक्षा की बात करूं तो इतनी मल्टी डायमेंशनल है, दूसरी बहुत फिलोसफिकल है। जी हम अगर अगर हम पाश्चात्य शिक्षा की बात करते हैं तो वो आपको रोजगार की तरफ ज्यादा आपको लेकर जाती है, लेकिन वो आपकी जो रूह है, आपकी जो रूट्स हैं, आपकी जो जड़ें हैं, उनको कभी उतनी गहराई नहीं देती। वो ऐसे पेड़ हैं जो शायद लंबाई में बहुत जाते हैं, लेकिन जहाँ तेज हवा चलती है उन पेड़ों के धराशायी होने की, उनके गिरने की उम्मीदें ज्यादा हो जाती हैं। जबकि भारतीय परंपरा की जो पढ़ाई है उसमें सिर्फ रोजगार एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा नहीं होता, बल्कि उसमें मॉरल वैल्यूज भी हैं, उसमें दर्शन भी है, उसमें फिलॉसफी भी है, जी उसमें जीवन भी है। तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ज्यादा ग्राउंडेड करते हैं अगर हम उस, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी उस तरीके से हुई, शिशु से लेकर अष्टम तक। मैं अगर उसको शब्दों को भी वही इस्तेमाल करूंगा जिस तरीके से हमारे कक्षा में पढ़ाई होती थी, तो मैं शिशु से लेकर अष्टम तक यानी 9 साल तक मैंने पूरी उस व्यवस्था के तहत पढ़ाई की।
जी जहाँ जहाँ पे आपको भोजन मंत्र भोजन करने के पहले करना होता था, तो वो सारी चीजें मेरे अंदर जो वो बसी, और फिर अलग अलग तरीके से चीजों को मैंने अडॉप्ट किया, तो वो मुझे लगता है कि हम एक ज्यादा ब्रॉड लेवल पर सोचने के लिए भी हमारा दिमाग जो है वो तैयार हो जाता है, जबकि हम पाश्चात्य में बहुत एक दायरे में रह के सोचते भी हैं, और उसको सिर्फ अपनी जिंदगी को बहुत ही मैटलिस्टिक और भौतिकवादी तरीके से ही जिंदगी जीने को हम ज्यादा श्रेयस्कर मानते हैं, जबकि हमारी परंपरा में जीवन अपने आप में एक उत्सव है, उसमें सिर्फ पैसा कमाना ही लक्ष्य नहीं है बल्कि उसके अलावा बहुत कुछ है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर त्रिपाठी जी, जो वहाँ सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ है और उसका ड्रॉबैक ये है कि अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो वहाँ जो है साइकोलॉजिक लेवल पर बहुत सारी डिजीजेस हैं बिल्कुल जिनका वो ट्रीटमेंट कराने के लिए भारत में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऋषि मुनि भी और जितना भी दर्शन शास्त्र है वो ये समझता है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी है, हमारे रिश्ते हैं, पेरेंट्स हैं, घर में चाचा जी हैं, ताया जी हैं, मौसा है, फूफा है, तो कितनी इमोशनल सिक्योरिटी हो जाती है इन सब चीजों बिल्कुल से। और वहां क्या है, एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी है। इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप फिल्मों के साथ संबंध रखते हैं और स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिल्म की भी गीत भी लिखते हैं, तो जब हम फिल्मों की बात करते हैं, जो लेखन कला की बात करते हैं, तो जिंदगी के बारे में ही लिखते हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं, भारतीय संस्कृति के लिए मेरे पास बहुत रिस्पेक्ट है, हमेशा हम रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, लेकिन इसका एक ब्लैक साइड भी है। और राजस्थान में देखी है मैंने, कुछ ही अरसे से मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे डॉरी सिस्टम और जो फीमेल है, जो वुमेन है, सेक्सुअल हरासमेंट है, उसके लिए अलग से रीति रिवाज हैं। और मैंने यहाँ आके देखा कि डॉरी सिस्टम इतना ज्यादा है, कैश पेमेंट ली जाती है, बहुत ज्यादा गोल्ड लिया जाता है, और विमेन की अगर कंडीशन की बात करूं तो उसको ज्यादा करके, मैं ये आम लोगों की बात कर रही हूँ, इंटेलेक्चुअल क्लास की बात नहीं कर रही मैं, तो जी जो आम लोग हैं वो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो इसके बारे में आपने क्या लिखा, इनको ऊपर उठाने के लिए कहाँ तक जो राजस्थान पहुंचा है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। राजस्थान क्या भारत के से कई समाज है, मैं ये कहूंगा, उनको मैं किसी स्टेट में बांध के नहीं देखता। भारत के कई हिस्से हैं, उनके कई ऐसे समाज हैं जहाँ पे अभी भी ये कुरीति चली आ रही है, और मुझे लगता है जो नई पीढ़ी है जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है, उसको इस मामले में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, और उसको ये समाज को वापस लौट के देना भी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी समाज से कोई चीज लेते हैं, चाहे वो ज्ञान लेते हैं या पैसा लेते हैं, हमको उसको कहीं ना कहीं वो वापस भी करना होता है। और ये दुर्भाग्य है कि अभी भी, मतलब हम 21वीं सदी के भी 20 साल आगे बढ़ चुके हैं, और इसके बाद भी अगर कहीं किसी महिला को शादी करने के लिए उसको उनके माँ बाप को कष्ट उठाना पड़े, और एक दहेज जैसी कुप्रथा को अभी भी वो समाज का एक हिस्सा हो, तो एक बहुत ही दुखद स्थिति है। लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि जैसे नई नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है, वो इसको नकार भी रही है और उसके खिलाफ भी है। मैं बहुत सारे ऐसे नवयुवकों को जानता हूँ जो मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, जिन्होंने शादी की है और बिना किसी दहेज की है। मैं खुद, मेरा जो विवाह हुआ उसमें भी मैं 1 रुपए का भी हमने कोई किसी भी तरह का दहेज या यहाँ तक कि किसी तरह के गिफ्ट को भी स्वीकार नहीं किया था। तो ये बहुत जरूरी है कि जो नौजवान पीढ़ी वो खड़े हो और वो अपनी क्षमता पर इतना ज्यादा भरोसा दिखाए कि हमें किसी भी तरह के आर्थिक सहयोग की जीवन चलाने के लिए, जीवन की शुरुआत की आवश्यकता नहीं है, हम सक्षम हैं। और अब तो स्थिति ये है कि दोनों ही जो महिलाएं हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं, और वो भी घर की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में अपना योगदान दे सकती हैं। अगर नहीं भी दे सकती हैं तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं, और वो है कि घर को संभालना। तो ये एक पुरुष की भी कहीं जिम्मेदारी है कि उसका उसके आत्मसम्मान के अभाव वो रक्षा करे और अपने जीवन को भी बेहतर से चलाए। और दहेज जैसी कुप्रथा को तो मुझे लगता है कि बहुत तेजी से खत्म हो जाना चाहिए था, और आने वाले वक्त में डेफिनेटली मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये खत्म होगा। जो कुछ गांव के या कुछ ऐसे समाज हैं जो थोड़ा सा, जहाँ पे एजुकेशन अभी उस लेवल तक नहीं पहुंची है, वहां पे शायद अभी ये ज्यादा है, बाकी ये चीजें धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और जल्दी हो भी जाएंगी। जी अच्छा, एक बात जो बड़ी अहम वो ये है, क्योंकि हम बात वो कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल है, जो हम जी देखते हैं, जी तो मैंने पंजाब में देखा, इसलिए नहीं कह रही कि मैं पंजाब से हूँ,
पंजाब में 80% जो लोग हैं वो डॉरी सिस्टम के खिलाफ हैं। और जब मैं बहुत ही मतलब गहन करती हूँ इस बात का, बहुत गहरी नजर से देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रवास कर गए, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां चले गए, वहां के कल्चर के साथ इंटरेक्ट हुए और वहां से बहुत सारी उन्होंने चीजें सीख ली। अब राजस्थान में वैसे टूरिज्म बहुत ज्यादा है, काफी परसेंटेज लोग बहुत कुछ देखने आते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग कम प्रवास करते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, प्रवास से तो मैं डायरेक्टली नहीं जोड़ूंगा, बट मैं उसको ये जरूर कहूंगा कि जहां जहां भी जिस समाज में एजुकेशन पेनिट्रेट कर गया है अच्छे से, जी जहां पर लोग पढ़ लिख गए हैं और समाज की मुख्य धारा में शामिल है, वहां पे डाउरी का जो प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो गया है। आपने जो पंजाब का उदाहरण दिया वो बिल्कुल सही है, बट उसको मैं सिर्फ प्रवास के साथ नहीं जोड़ता कि वो कनाडा या दूसरी कंट्री में बहुत ज्यादा चले गए, बट जो हिस्सा बहुत पढ़ा लिखा है उसको पता है कि अपने आप में ये एक कुरीति है और उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। बट बहुत पुरानी परंपराएं जो गांव में अभी भी चली आ रही हैं, उन जगहों पे अभी भी ये चीजें चल रही हैं, चाहे वो भारत का कोई भी शहर हो या कोई भी एक बट पढ़ा लिखा, जैसे आप केरल की अगर आप बात करेंगे, बहुत पढ़ा लिखा है वहां जी पे, तो वहां पर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जिस भी समाज में हम पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर डाउरी आज बहुत कम है। जहां पे भी ये शिक्षा का अभाव है या शिक्षा उस तरीके से नहीं है वहां पे ये चल रही है। तो जितना तेजी से समाज आपका पढ़ेगा लिखेगा, उतना मुझे लगता है कि जितनी भी कुरीतियां, अकेले मैं दहेज की बात नहीं करूंगा, बहुत सारी दूसरी कुरीतियां हैं, वो सारी कुरीतियां धीरे धीरे, क्योंकि किसी भी सामाजिक बुराई को खत्म करने का जो सबसे मारक हथियार है वो जी शिक्षा है। अगर शिक्षा आप समाज के हर इंसान को आप देते हैं तो वो स्वतः इस लायक हो जाता है कि वो कुरीतियों का विरोध भी करे और वो सही दिशा में अपने आप को ले जाने के लिए तैयार भी करे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, डॉक्टर अविनाश त्रिपाठी की भी एक यात्रा रही, और मैंने पढ़ा है कि 6 साल की आयु में आप थिएटर की ओर चल पड़े और अपने जो भीतर की यात्रा है वो उसकी आपने शुरुआत की। कोई तो ऐसी चीज हुई होगी, कोई ऐसी घटना हुई होगी, कोई ऐसा इंसान जिंदगी में आया होगा जिससे आप प्रभावित हुए होंगे। अब उतनी छोटी उम्र में मुझे ये तो ठीक से याद नहीं कि मैं किस इंसान से या किस घटना से प्रभावित हुआ था, बट मुझे इतना जरूर याद है कि मैं बचपन से बहुत अकेला रहना पसंद करता था। जी मुझे बहुत ज्यादा लोगों के साथ बात करना या बहुत भीड़ में रहना मुझे अच्छा नहीं लगता था, और जब मैं अकेला रहता था तो स्वाभाविक है आप कुछ ना कुछ सोचते होंगे, कुछ ना कुछ मन में आपके विचार आते होंगे, और जब वो विचार मेरे मन में आते थे तो मैं कहीं उसको लिखने का प्रयास करता था। और ये जो परंपरा शुरू हुई वहीं से मुझे लगता है कि मेरे अंदर का जो एक लेखक था या एक कलाकार था उसको एक शेप मिलना शुरू हो गया। शुरुआत में मैंने कविताएं लिखी, जो अखबार थी उन अखबारों में वो कविताएं छपने लगी, तो मेरे अंदर एक उत्साह भी हुआ कि हाँ, जो मैं बात कह रहा हूँ वो बहुत लोगों तक पहुंच रही है। फिर धीरे धीरे उसका एक्सटेंशन होने लगा, मुझे लगा कि ठीक है, अखबार के जरिए मैंने अपनी बात कह दी, लेकिन बेहतर होगा कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ, जिसको मैंने अपने शब्दों में लिखा, उसको मैं अपनी जबान से भी कहूँ, मैं अपने चेहरे से उस भाव को प्रदर्शित करूँ जो मेरी कविता के रूप में बसा हुआ भाव है। क्या यहाँ से बात फिर थिएटर की शुरुआत हुई और जी, मैंने फिर अपने लिखे हुए शब्दों को, अपने लिखे हुए भावों को अपना जिस्म दिया, अपना चेहरा दिया, अपनी आवाज दी, और वो थिएटर की एक यात्रा शुरू हुई। फिर धीरे धीरे ये यात्रा और बड़ी, लगा कि थिएटर की जो एक लिमिट है वो एक बहुत, एक हॉल में 100, 200, 500 लोग होते हैं जो आपको देख सकते हैं, आपको सुन जी सकते हैं, इसको कहीं और बड़ा आयाम मिलना चाहिए, आपकी आवाज, आपके भाव शायद और दूर तक पहुंचे। फिर एक टीवी की यात्रा शुरू हुई और धीरे 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 अपनी आवाज और अपने आवाज के अंदर की जो खनक है वो खनक दूर तक पहुंचे, ये जो यात्रा और ये जो कोशिश है वही रास्ते तय करती रही, और वो नदी की तरह आपका बहाव चलता गया और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जी अच्छा डॉक्टर त्रिपाठी जी, आपने बात करी कि आपने लिखना शुरू किया, तो आपकी नज्म की 2 लाइनें जो मैंने शुरुआत में बोली, तो वो हम जरूर आपकी आवाज में चाहेंगे। किताबें हमें तोलती है, किताबें हमें भीतर से खोलती हैं। हाँ जरूर, मैं आपको वो नज्म भी, वो बेसिकली नज्म जो मेरी है वो किताबों का जिंदगी में किस तरीके से हमारे स्थान होता है, जी और किताबें हमें जिंदगी में सिर्फ आपके शेल्फ में नहीं रखी रहती, लेकिन वो आपको पूरी एक 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 तस्वीर पेश करती हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि मैं कुछ, मेरी एक दो गजल हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जी वो जरूर मैं जरूर आपके साथ शेयर करूं। जी और एक दो मेरी जो गजल है जो बहुत फेमस भी हुई,
और उसके एक दो शेर बहुत फेमस हुए, मैं वहां से अपनी बात कहूंगा। और जो मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सच भी है, और मेरी एक गजल है जिसका एक शेर है, अंधेरा घना हो ये बेहतर है जुगनू के लिए, अंधेरा घना हो ये बेहतर है जुगनू के लिए, वाह जी, शिद्दत से जो चमका सितारा हो जाएगा। क्या बात। और इसी गजल के दो तीन शेर और हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा, कि रकीब क्या रकीब उसके लिए इबादत में बैठे हैं, रकीब उसके लिए इबादत में बैठे हैं, जो मेरा नहीं वो कैसे तुम्हारा हो जाएगा, रकीब बात उसके लिए इबादत में बैठे हैं, जो मेरा नहीं वो कैसे तुम्हारा हो जाएगा, और उसकी यादों को चरागों के बगल में रखा है, उसकी यादों को चरागों के बगल में रखा है, हवा चली भी तो अच्छा उजाला हो जाएगा, क्या बात हवा है, चली बहुत भी तो अच्छे अच्छा उजाला हो जाएगा। और दो शेर और इस गजल के हैं कि जी। सवरना बारहा रिश्ते मुकम्मल नहीं करता। हमको अक्सर लगता है ना कि फिजिकल ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जी मेरा कहना है कि सवरना बारहा रिश्ते मुकम्मल नहीं करता, सीरत भली हो तो खूब गुजारा हो जाएगा, क्या सीरत बात, भली हो तो खूब गुजारा हो जाएगा। और आखिरी शेर जो मुझे बहुत पसंद है कि मोहब्बत करना तो टूटने का भी सब्र रखना, क्या बात है जी, मोहब्बत करना तो टूटने का भी सब्र रखना, ये जरूरी नहीं वो सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा, क्या बात है ये जी, बहुत जरूरी नहीं। अच्छे, बहुत अच्छे। शुक्रिया। तो इस तरह के जो भी ख्यालात मेरे दिल में आते हैं, कई बार उनको मैं गीत की शक्ल देता हूँ, कई बार उनको मैं गजल की शक्ल देता हूँ। और लिखना मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा करीब खुद के तब होता हूँ जब मैं लिखता हूँ, क्या तो बात मैं है जी, लिखना सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। जी आपने एक बार बहुत खूबसूरत कही, बहुत अच्छी लगी मुझे, और खास तौर पे जो यूथ जनरेशन है उसके लिए है। आज लोग सूरत पे मरते हैं, जी आपने सीरत की बात कही है तो बहुत ही अच्छी है, सीरत बहुत जरूरी है। सूरत भी ठीक है, खूबसूरत, माशाल्लाह खूबसूरत हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो असली बात है वो सीरत की ही है। तो बिल्कुल। अभी आते हैं उसी नज़्म पे जो किताबों की बात करी, हाँ, क्योंकि वो जैसे ही मुझे आज जी हमें लगता है कि दुनिया में अगर बातों में वजन नहीं है, लोग जुबान के पक्के नहीं है, लोग इंटेलेक्चुअल लेवल में इतने बढ़िया नहीं है, उसकी वजह है कि वो अध्ययन नहीं करते, किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ते बिल्कुल बिल्कुल जी। बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अपनी जो नज्म में लिखा था वो यही लिखा था, मैं आप अगर इजाजत दें तो मैं वो नज्म आपको सुना दूं। जरूर जरूर मेरी नज्म है जिसका उनवान है किताबें, और शुरू होती है मेरी नज्म की, किताबें हमें तौलती हैं, वाह, किताबें हमें तौलती हैं, किताबें हमें भीतर से खोलती हैं, क्या बात है, किताबें नहीं होती सफों की तरतीब, किताबें नहीं होती सफों की तरतीब, करीने से लिखे हुए ख्यालों की मुसलसल बारिश, किताबें इससे कहीं ज्यादा होती हैं, क्या बात है जी, किताबें नहीं होती सफों की तरतीब, करीने से लिखे हुए ख्यालों की मुसलसल बारिश, किताबें इससे कहीं ज्यादा होती हैं, जब दुनिया की भीड़ में हम बेहद तन्हा होते हैं, किताबें अपना गर्म हाथ रखती हैं कंधे पर, क्या बात है जी, बहुत जब अच्छे, दुनिया की भीड़ में हम बेहद तन्हा होते हैं, किताबें अपना गर्म हाथ रखती हैं कंधे पर, वो दोस्त हमनवा हमजुबा बन जाती हैं, भटकते हैं जब बेख्याली में कि किधर जाएं, क्या बात भटकते हैं है बेख्याली में कि किधर जाएं, किताबें चुप से उंगली मंजिल के सिमत दिखलाती हैं, और जब टूट जाता है कोई मरासिम, जब टूट जाता है कोई मरासिम और लब खामोश हो जाते हैं, किताबें कानों में इश्क की बोलियां बोलती हैं, किताबें हमें तौलती हैं, किताबें हमें भीतर से खोलती हैं। क्या बात है जी, तो बहुत अच्छे, जी थैंक यू। तो ये किताबों का एक पूरे संसार पे मैंने एक छोटी सी नज्म लिखी थी, किताबें किस तरीके से हमें गाइड करती हैं, कई बार हमें वो मंजिल का रास्ता भी दिखाती हैं, और कई बार हमें जब भी हम थक हार जाते हैं तो किताबें अपना जो गर्म हाथ है वो हमारे कंधे पे रख देती हैं, और हमें सुकून मिलता है, सांत्वना मिलती है। जी ये बिल्कुल, जो चेतना, अगर इंसान में चेतना ही नहीं है तो मेरा ख्याल वो फिर एक डेड बॉडी ही कहलाएगा, बिल्कुल अगर हम है ही नहीं, हम इसी चीज के लिए नहीं है। अच्छा सर, बातें तो इतना दिल कर रहा है कि आपकी एक एक नज़म सुने, लेकिन समय इतनी आज्ञा नहीं दे रहा। तो जी एक जो बड़ा ही मशहूर सीरियल आता था, आंखों देखी, जी जिसके आप चीफ ब्यूरो रहे, तो वो जी यात्रा किस तरह से आपने तय की, किस तरह का रहा वहां का सफर? हाँ, ये भी बड़ा कमाल का मामला रहा कि एक तरफ तो मैं खालिस शायर किस्म का शख्स, जब मैं हार्डली 17-18 साल का रहा होऊंगा, और कहते हैं इस गुलाबी उम्र में आपके
ख्वाब में भी जो चीजें आती हैं वो सिर्फ रोजी रोजी पिक्चर आती है, और आप बहुत इश्कियाना से माहौल में रहना पसंद करते हैं अपने आप को। लेकिन ये बड़ा कमाल का दौर था कि एक तरफ मैं शायरी कर रहा था, मैं गजल कर रहा था और इस तरह की चीजें कर रहा था, उसी वक्त मैं एक क्राइम रिपोर्टर भी था और मैं आंखों देखी जो बहुत ही एक मशहूर क्राइम बेस्ड प्रोग्राम रहा जिसको नलिनी सिंह एंकर करती थी, जी उस प्रोग्राम का मैं लखनऊ का ब्यूरो चीफ भी रहा, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने का बचपन से बहुत शौक था। वो चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो किताबें हो, चाहे वो जनरल नॉलेज की किताबें हो, अखबारें हो, अखबार हो, तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था। जी और उसी बीच में मुझे पता लगा कि आंखों देखी को लखनऊ में किसी एक ऐसे पत्रकार की आवश्यकता है जो वेल रेड हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो टीवी के सामने भी बोल सके, अपनी बातों को सही तरीके से बोल सके। और मैं फिर दिल्ली में जहाँ उनका हेड ऑफिस था, मैं वहाँ पर गया, उनसे मिला, और जी उनको मेरी बातचीत का जो लहजा था और जो भी मेरी नॉलेज थी उनको अच्छी लगी, और फॉर्चुनेटली फिर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो एक तरफ मैं कविताएं कर रहा था, एक तरफ मैं थिएटर कर रहा था, और दूसरी तरफ मैंने जो है वो क्राइम जर्नलिज्म जैसी बिल्कुल अलग, मैं कहूंगा एकदम मुख्तलिफ किस्म की जो जॉब है उसको भी मैं कर रहा था। तो बहुत अलग अलग डाइवर्स चीजें जो मैंने लाइफ में की हैं, मुझे लगता है उसने भी कहीं मेरी शख्सियत को कुछ नए डायमेंशंस, कुछ नए आयाम दिए हैं। जी जी बिल्कुल, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी पहले ही कह दिया, जो भारतीय संस्कृति में ओतपोत हो जाते हैं, जो यहाँ से पढ़ते हैं वो मल्टी डायमेंशनल ही बनते हैं। जी सो श्रोता और जो यूथ जनरेशन है उसके लिए खास तौर पे है, क्योंकि हम बहुत चिल्ला चिल्ला के टीवी पे, रेडियो पे, यूट्यूब पे ये बोलते हैं कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको संभालो, लेकिन अगर जब प्रैक्टिकल बात होती है, अपने घरों में ही भारतीय संस्कृति की कोई रिस्पेक्ट नहीं की जाती। सो ये बताना चाहती हूँ कि देख लीजिए, ये भारतीय संस्कृति का ही चमत्कार है। सर हाँ, आगे मतलब बढ़ते हैं। जी 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 बोलिए। मतलब हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि अगर हम अपनी परंपराओं को सही तरीके से पालन करते हैं तो जी आपके अंदर बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता छिपी होती है। हमें अपने आप को एक बार पलट कर देखना चाहिए, अपनी जड़ों को देखना चाहिए, और हमारे अंदर बहुत संभावनाएं हैं, और आप अगर उसको पूरी कोशिश, पूरी शिद्दत से आप कोशिश करेंगे तो आप हर वो चीज़ अपनी जिंदगी में हासिल कर सकते हैं जो आपने कभी अपने लिए डिजायर कर रखा है। जी जी बिल्कुल, अगर सर हम रूहानियत की बात करें ना, तो जी रूहानियत जो है, जो अध्यात्मवाद है, वो भी इसी बात पे जोर देता है कि अपने अंदर से जुड़े। जी वो गुरबानी में लिखा है, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान जी मेन वाक्य है, जिसमें वो उन्होंने यही कहा है कि अपने आप को पहले पहचानो। हम तो क्या है कि बाहर ही घूमते रहते हैं, अंदर तो हम जाते ही नहीं, भीतर तो जाते नहीं। अब जब भीतर की बात हो रही है, तो जो जी एक शायर होता है जी वो बहुत ही इमोशनल होता है, वो छोटी सी छोटी बात, एक छोटे से छोटे शब्द से भी उसको कहीं ना कहीं ठेस लग सकती है, बिल्कुल और वो जो ठेस होती है वो उसके अंदर एक दर्द पैदा करती है, और ऐसा दर्द महसूस करता है शायर जैसे एक लेडी जो है प्रसूति पीड़ा महसूस करती है, जी लेबर बिल्कुल पेन फील करती है, तो शायर भी उसी तरह की लेबर पेन से गुजर के एक कविता को जो है पैदा करता है, जन्म देता है। तो बिल्कुल जब आपके अंदर ये प्रोसेस चलता है, तो क्या आपके साथ भी इस तरह घटित होता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि लेखक वही इंसान हो सकता है जिसका दिल मोम का हो, जी जो जिसका दिल मैं कहूंगा कि कांच की तरह भी हो, जो बहुत मामूली सी ठोकर पे चटक जाए। तो जब आपका दिल इतना नाजुक होता है, आप इतने सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, आप दिल से बहुत अच्छे इंसान होते हैं, तभी आप कहीं एक बेहतर लेखक हो सकते हैं, क्योंकि तब आपके अंदर उस किस्म की संवेदनशीलता होती है, आप किसी भी चीज को उस तरीके से महसूस करते हैं। और आपने जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब कोई एक लेखक जिस तरीके से एक महिला जब प्रसूति करती है या वो एक बच्चे को पैदा करती है तो उसके अंदर जो पीड़ा होती है वही लेखक के अंदर भी होती है। मुझे लगता है कि अच्छा लेखक और अच्छा कवि या शायर होने के लिए कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी में स्त्रीत्व भाव का होना भी बहुत जरूरी है। जी मतलब कुछ हद तक जब तक आपके अंदर एक महिला भाव की प्रधानता नहीं रहेगी, मैं शारीरिक तौर पे उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर मन से अगर आपके अंदर स्त्री भाव प्रबल नहीं है तो आप एक अच्छे लेखक, अच्छे शायर नहीं हो सकते। तो ये एक मेरे अंदर भी बहुत, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं बहुत संवेदनशील हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ, और ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी उनको ठेस भी लगती है, उनको बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं,
और जब आप बहुत संवेदनशील हों और छोटी छोटी बातें आपको परेशान भी करती हैं, लेकिन आप लोगों से बांटते कम हैं, तो आपके साथ सबसे अच्छी चीज ये हो जाती है कि आप फिर आप खुद से बांटना शुरू कर देते हैं और उस प्रक्रिया में आप लिखना शुरू कर देते हैं। क्योंकि क्या बात लोग है। जब लोग बोल के अपनी चीजों को, अपनी जो बहुत ही कीमती जज्बात होते हैं, या उन जज्बात को जब आप कई लोगों के साथ बांट देते हैं या कह देते हैं, तो वो जज्बात कहीं खो जाते हैं। लेकिन उन्हीं जज्बातों को जब आप अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और उनको आप किसी कलम की नोक पे रख देते हैं, तो वो कोई ये गजल बन जाती है, वो कोई कविता बन जाती है, और वो बहुतों की जिंदगी का सच होता है। जो भोगा आपने होता है, लेकिन उनकी जिंदगी में भी वही परिस्थितियां कहीं ना कहीं चल रही होती हैं। उन्होंने उसको शब्द नहीं दिया होता है और आपने उसको शब्द दे दिया होता है। तो जी ये मुझे लगता है कि एक कवि और शायर इस तरह से अपनी चीजों को लिखता है। जी डॉक्टर त्रिपाठी जी, एक इधर चलते हैं हम राजस्थानी मूवीज की तरफ। जी राजस्थानी मूवीज का जो स्थान है जी वो सिनेमा जगत में कहाँ पे है, और इसका और ज्यादा इसको बढ़ाने के लिए आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? मुझे लगता है, देखिए, मैंने पूरा एक प्रपोजल भी राजस्थान सरकार को देने का प्रयास किया है और दिया भी है उनको। उनसे कहा भी है कि बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, क्योंकि देखिए, राजस्थान इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट है अगर जी हम क्षेत्रफल की बात करें। और क्षेत्रफल से ज्यादा राजस्थान की जो, मैं कहूंगा कि जो नैसर्गिक ब्यूटी है, वो बहुत ही कमाल की है। बहुत सारी हिंदी फिल्मों में राजस्थान के जो लैंडस्केप हैं, उनकी जो ब्यूटी है, उसको बहुत अच्छी तरीके से चित्रित किया गया है। बाहर के फिल्म मेकर आके यहाँ की फिल्में बनाते हैं, यहाँ पर फिल्में बनाते हैं, और हम राजस्थान में रह के राजस्थान की फिल्मों को सही तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। तो ये एक अफसोस की बात है। सरकार को भी कहीं ना कहीं ज्यादा सक्रिय होना चाहिए और फिल्म मेकर्स को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे बहुत सारे दूसरे स्टेट हैं जहाँ पे फिल्म सिटी डेवलप हो रही है और वहाँ के फिल्म मेकर्स को बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी सब्सिडी मिल रही है। जी तो राजस्थान की सरकार को भी इस तरह की व्यवस्था जरूर करना चाहिए, जिससे यहाँ का जो जो यहाँ की बहुत सारी धरोहर है, उन धरोहर को भी देश विदेश की जनता देखे, और उसके बहुत तरह के फायदे होते हैं अगर हमारी धरोहर को, हमारी जो समाज की खासियत है, और बहुत सारी चीजें जब दुनिया के सामने जाती है, तो उससे टूरिज्म बढ़ता है, उससे व्यापार बढ़ता है, उससे लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, और हमारी जो कला है वो दूर दूर तक जाती है। और राजस्थान में सब कुछ है, यहाँ पे झीलों का शहर है, उदयपुर जैसा खूबसूरत शहर है, जी यहाँ पे जैसलमेर जैसा जो है वो डेजर्ट है। तो इतनी, जिसके अंदर इतनी ब्यूटी है उस, और इतनी कहानियां हैं। हमारी कहानियों को लेकर बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में बनी हैं जो कि मूलतः राजस्थान की कहानियां हैं, और हम अपनी ही कहानियों को सही बाजार नहीं दे पा रहे। तो इस पे जरूर कोशिश करना चाहिए, फिल्म मेकर्स को भी कोशिश करना चाहिए और सरकार को भी करना चाहिए। जी रुदाली मूवी जो बनी थी वो राजस्थान की स्टोरी ही थी, बड़ी अच्छी मूवी थी वो भी। जी, बहुत और सारी। जी जी अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं। जब कोई इंसान काम करता है और उसको एप्रिसिएशन मिलती है तो एक प्रेरणा मिलती है, तो कहाँ जी कहाँ से आपको अवार्ड्स मिले? अवार्ड्स देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे मिले, बट जो जनता आपको प्यार देती है, जो लोग आपकी फीलिंग को समझते हैं, मुझे लगता है वो एक अलग ही किस्म का आपको मोटिवेशन मिलता है। जी और खास तौर से जो लोग आपके नेचर को जानते हैं, जो लोग आपके आसपास के लोग हैं, वो जब आपकी किसी भी कला पर दिल खोल कर तारीफ करते हैं, और वो किसी किसी तरीके से आपको प्लीज नहीं करना चाहते, बल्कि विशुद्ध रूप से आपकी कला की तारीफ करते हैं, तो वो बहुत सारे अवार्ड से बेहतर है। अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे कुछ लिखे हुए गाने हैं जिनको मशहूर सिंगर शान शान ने गाए हैं, और किसी इंटरव्यू में मैंने देखा कि शान मेरे बारे में कह रहे थे कि वो आजकल के दौर के बहुत ही कमाल के राइटर हैं, और वो न सिर्फ लिखते बहुत अच्छा हैं बल्कि वो बोलते भी हैं, तो ऐसा लगता है कि वो कविता कर रहे हैं, उनकी बोलने में एक पोइट्री है। जी बिल्कुल, वो तो ऐसे ही लगता है। तो अब कोई ऐसा बड़ा सिंगर जिसने नेशनल अवार्ड हासिल किया हो, जिसको बहुत सारे फिल्म फेयर अवार्ड मिले हों, जो इंडिया का लीडिंग बॉलीवुड सिंगर हो, वो आपके बारे में कोई ऐसी बात कहे जिसका आप हिस्सा भी नहीं हो, उस इंटरव्यू का आप हिस्सा भी नहीं हो, तो मुझे लगता है ये एक आपके लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। तो अवार्ड जो आपको मिल रहे हैं फॉर्मल तरीके से, वो तो आपको बहुत तरह से अवार्ड मिले, लेकिन जब कोई बड़ी पर्सनालिटी जो जिसके बारे में दुनिया जानती है, वो आपकी पीठ के पीछे आपकी जब तारीफ करती है और आपकी हुनर की तारीफ करती है, तो मुझे लगता है वो आपका बहुत बड़ा अवार्ड है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे
स्टैब्लिश लोग हैं जिनको हम लोग आदर्श के तरीके से मानते हैं, उनसे मिलते हैं, वो जब आपके पीठ के पीछे आपकी कलम की, आपके लिखने की, आपके व्यवहार की, आपकी तारीफ करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो तारीफ मेरे लिए बहुत बड़े अवार्ड की है, जिसमें कविता कृष्णमूर्ति जैसी महान सिंगर हैं, जब उन्होंने मेरे लिखे हुए गीत को गाया और उसकी लिरिक्स की बहुत तारीफ की, तो ये सारी जो जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए बहुत अवार्ड हैं, और अवार्ड फॉर्मल तरीके से मुझे बहुत मिले हैं, और मैं उन सारे ही अवार्ड देने वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने इस लायक माना और मुझे सम्मानित किया, और उनके सम्मान से मैं खुद सम्मानित हुआ। जी जी डॉक्टर त्रिपाठी जी, चाहे कोई लेखक हो या कलाकार हो, गीतकार हो, जो रूह से हो, तो हर कोई यही चाहता है कि जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए हम कोई ना कोई प्रयास करते रहें, चाहे उसका माध्यम कहानियां हो, फिल्में हो, गीत हो, कुछ भी हो। और जो ये जिंदगी का सफर है, इसको बेहतर बनाने के लिए दोस्तों हम सबके प्रयास होना चाहिए। और खास कार्यक्रम में हम खास खास शख्सियतों के साथ जुड़ते हैं। इसी के साथ एक और गुजारिश सभी से, वो ये है कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेवार हैं। जो आज ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, उसकी वजह यही है कि हम कुदरत से नहीं जुड़ रहे। हमें कुदरत को देना है, कुदरत से लेना है। अगर हमने एसी ना लगा के अपने घर में वृक्ष लगाए होते, त्रिवेणी जैसे जो वृक्ष लगाए होते, तो आज हम ऐसी स्थिति का सामना ना कर पाते। सो डॉक्टर अविनाश त्रिपाठी जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए रंजीत रेडियो आपका बहुत ही आभारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, कहो जी रही थोड़ी मुलाकात डॉक्टर अविनाश त्रिपाठी जी नाल। पता लगा किन्नी मेहनत करनी पैंदी है इस फील्ड विच जाण वास्ते। ते सानू लगदा है कि बस अज आपां सोचिया ते कल आपां एक्टर बन गए। 28 साल थिएटर दे विच लगा दित्ते, फिर कवितावां और किन्ना कुछ पढ़िया, किन्नी मेहनत कीती क्राइम रिपोर्टर दे विच, क्राइम रिपोर्टिंग जिहड़ी कीती उन्हां ने आंखों देखी दे विच, और फिर वो एक कॉलम भी लिखते रहे राजस्थान पत्रिका दे विच। मतलब इन्नी मल्टी डिमेंशनल परसनैलिटी बनने वास्ते सानू मेहनत भी उन्नी ही करनी पैंदी है। तो असी की है कि शॉर्टकट्स दे रास्ते अपनाने हैं। कई बार फिल्म मैगजीन्स दे विच कुछ आर्टिकल्स इदा दे आउंदे जिहदे विच कुछ इदा दियां गल्लां लिखियां होंदियां, लोगों नूं लगता है कि भी इसी तरह शॉर्टकट्स अपना के सक्सैस मिलती है। नहीं जी, सक्सैस इन्नी जल्दी ते इन्नी आसान तरीके नाल नहीं मिलती। सक्सैस दी मैं एक पौड़ी होर देखी है कि जब तक इंसान दी अंदरों पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं हुंदी, अंदरों एक इंसान वाकई अदाकार नहीं बनता, उन्ना ही शालीन नहीं बनता, उन्ना ही शांत नहीं बनता, तद तक कोई गल नहीं बनती। सो बहुत जरूरी है सानू मेहनत करनी चाहिए है। मेहनत असी भी करते हैं, तो जो मेहनत का फल ना मिले, थोड़े कमेंट्स ना आन, तुसी लाइक ना करो और तुसी सब्सक्राइब ना करो, तो सानू भी लगता है कि साड़ी मेहनत अधूरी है। इसलिए रणजीत रेडियो नू लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, और दोस्तों जरूर कमेंट करया करो ताकि मैं पता लगे कि कितने कोई कमी पेशी रह गई है। तो नाल ही त्रिवेणी वध तो वध लगाओ, पानी दी को वरतों रोको, धरती नू बचाओ। तो इस दे नाल ही अपनी दोस्त रणजीत कौर संधु सोनी नू आग्या दो, सारे नू प्यार भरी सत श्री अकाल।